तो भाई सबसे पहले तो आप ये कमेंट्स कर दो कि एमपी पुलिस की तैयारी करने वालों को लॉन्ग जंप पे ये एंकल पेन कितने को हो रहा है, क्योंकि आपको रहे बिना, आप कूदे बिना रह नहीं सकते। आपने पहले दूसरे दिन लॉन्ग जंप कर ली होगी और दर्द आपको हो रहा होगा एंकल के अंदर या फिर स्वेलिंग आ गई है, तो कमेंट्स करें ताकि आपको सॉल्यूशन यहां से मिल पाए। अगर आप लॉन्ग जंप में अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस लाना चाहते हैं, अच्छा कूदना चाहते हैं, तो आपको तीन टेक्निक को फॉलो करना रहेगी। ये इंटरनेशनल टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहला होता है आपका हैंग, सेल और इचकी। ये तीन तरीके आपने लॉन्ग जंप में सीख लिए, मैं बता रहा हूं आपको 18, 19 और 20 फीट आप आसानी से कूदना। सो लॉन्ग जंप की शुरुआत करने से पहले आपको ये वीडियो काफी हेल्प करने वाला है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। अरे वर्दी चाहिए भाई। आज का वीडियो आपको बताने वाला हूँ आज के वीडियो में कि भाई लॉन्ग जंप की शुरुआत करने से पहले आपको पांच ड्रिल कौन सी करना है। जब तक आप ये पांच ड्रिल नहीं करेंगे आप सही से टेक ऑफ नहीं ले पाएंगे। फाइव ड्रिल्स जो कि आपको करना है, जितने भी लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस या फिर एसआई के लिए, आप अगर लॉन्ग जंप कूदना चाहते हैं अच्छी खासी, तो आपको पांच ड्रिल को फॉलो करना है। ये ड्रिल करने से क्या होगा, आपकी जो साइकिलिंग है वो साइकिलिंग आना स्टार्ट होगी। मतलब कि जो पहला हमने आपको तरीका बताया है, तीन जो इंटरनेशनल तरीके बताए, हैंग, सेल और इचकी, तो हम जो करने वाले हैं यहाँ पर इचकी की तैयारी, उसमें ये पांच ड्रिल आपको काफी हेल्प करेगी। तो जितने भी बिगनर्स हैं, जितने भी शुरुआत कर रहे हैं, कैसे करें फाइव ड्रिल्स, चलिए करते हैं शुरुआत। तीन अटेम्प्ट आपको मिलने वाले हैं लॉन्ग जंप करने में। अभी आपने पहला जो मेरा तरीका देखा है उसमें एक गलती, मिस्टेक करते हैं अधिकतर लॉन्ग जंप करने वाले। जब लास्ट मोमेंट होता है उस टाइम पर चेक करते हैं कि कौन से कदम से कूदना है। आपको चेक नहीं करना है, जब तक आपका फ्लो एक जैसा नहीं होगा आप लॉन्ग जंप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो चेक जो होता है, अगर आप स्टेप सही से काउंट नहीं करके जाएंगे, सही तरीके से आप रनवे पे यहां पर नहीं दौड़ पाएंगे, तो आप चेक करेंगे और चेक करने का परिणाम ये होगा कि आप सही तरीके से लॉन्ग जंप नहीं कर पाएंगे। ये गलती आपको नहीं करनी। ड्रिल नंबर वन आपको करना है हाई नी बाउंस। हाई नी बाउंस किस तरीके से करना है आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। जब आप ड्रिल नंबर वन करेंगे तो इसमें कई सारे लोग गलती क्या करते हैं, आपको हम बोल रहे हैं हाई नी बढ़ाना है आपको। हाई नी सीखने का सबसे बेसिक तरीका है, आप स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़े रहे, इस तरीके से आप खड़े रहे, इस तरीके से खड़े होने के बाद आपको ये एंगल यहां तक जाएगा, ये फॉर्म रहेगा। आप जब तक इस फॉर्म पर नहीं आएंगे आपकी साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। देखो भाई मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, जितनी देर आप हवा में रहेंगे उतना ही आपका लॉन्ग जंप ज्यादा जाएगा। तो ये ड्रिल है, ये ड्रिल आपकी मदद करेगी हवा में ज्यादा टाइम रहने के लिए। तो आपको तरीके गलत नहीं अपनाना है। कई लोगों को हमने देखा है वो जो पहली एक्सरसाइज करते हैं हाई नी बाउंस की, वो करते हैं यहां से, ये करते हैं, ये गलत तरीका है। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट। सेकंड ड्रिल स्टार्ट होती है आपका सिंगल लेग हाई नी बाउंस। कैसे करना है वो बताता हूं मैं आपको। ये जो पैर रहेगा आपका यहां से यही गिरेगा, ज्यादा आगे नहीं जाएगा। अगर आप यहां पर गिराएंगे तो गलत तरीका होगा। मैं आपको बेसिक से करके बताता हूं, ऐसे जंप करना स्टार्ट करें, फिर ये। इस ड्रिल के बाद इसी ड्रिल से आपकी थर्ड ड्रिल बनेगी, ड्रिल नंबर थर्ड। ये आपको काफी हेल्प करेगा आगे की तरफ हाइट बढ़ाने में, देन लॉन्ग डिस्टेंस की डिस्टेंस कवर करने में। कैसे करना है आपको, सिंपल। ड्रिल नंबर चार की शुरुआत, इस ड्रिल से आपकी हाइट बढ़ेगी। जब आप टेक ऑफ लेंगे तो उसमें आपको हाइट चाहिए, जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना ज्यादा आप हवा में रह पाएंगे। तो किस तरीके से करना है चलो करते हैं शुरुआत। लॉन्ग जंप में लास्ट ड्रिल है पांच नंबर की ड्रिल, यह भी आपकी हाइट बढ़ाने में काम आएगी। तीन ड्रिल बताई मैंने जिससे आपका डिस्टेंस कवर होगा, और दो ड्रिल बता रहा हूं जिससे आपकी हाइट कवर होगी। इसमें आपको क्या करना है, स्टैंडिंग पोजिशन पे जंप करना है, आपको आपकी अपर बॉडी से जंप करना रहेगा। जितना आपकी अपर बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ रहेगा आप उतनी हाइट अच्छे से कवर कर पाएंगे। कौन सी एक्सरसाइज करना है चलिए करते हैं शुरुआत। आपको नॉर्मली ऐसे खड़े हो जाना है, तो ये पांच ड्रिल करने के बाद अब आपको करना है लॉन्ग जंप का अभ्यास। इसमें आपसे हम करवा रहे हैं इचकी की प्रैक्टिस, ताकि आप आपकी साइकिल को सही तरीके से लॉन्ग जंप में यूज कर पाए। तरीका है सीखने का इचकी को, आपको कुछ नहीं करना है, फाइव स्टेप काउंट करना है आपको, एक
दो, तीन, चार और पांच। फिर से आपको नॉर्मल पोजिशन पे पहुंच जाना है। अब इसमें ध्यान रखना है, आपका राइट लेग 90 डिग्री एंगल, आपका राइट लेफ्ट हैंड 90 डिग्री एंगल। इस तरीके से आपको 3 टाइम वॉक करना है। कैसे करना है देखो, एक ये नॉर्मल रहेगा, फिर एक बस एक, ताकि हम जब जंप मारेंगे तो ये 90 डिग्री होगा। जब आपकी पहली साइकिल कवर होगी तभी आप दूसरी साइकिल पर पहुंचेंगे। दो या तीन साइकिल कंप्लीट होती है आपकी 18 से 20 फीट लॉन्ग जंप। जब आप बिना टेक्निक के लॉन्ग जंप करना स्टार्ट करते हैं तो नतीजा क्या होता है, अभी एक लड़का आ रहा है जो बिगनर से, जो अभी शुरुआत कर रहा है, पहली बार लॉन्ग जंप करेगा, इसमें क्या फॉल्ट है, क्या कमियां हैं, मैं आपको बताऊंगा। चल कंप्लीट स्टार्ट, तालियां भाई। जैसा कि आपने इस बिगनर्स को देखा, इसकी आप जो लॉन्ग जंप देख रहे हैं इसमें आप देखिए हाइट कितना कम है। देन जब ये टेक ऑफ करके अपना लॉन्ग जंप कंप्लीट कर रहा है तो इसका जो पोस्चर है वो बैक साइड में गिर रहा है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो जब लॉन्ग जंप होती है आपकी बॉडी का लास्ट स्पर्श जो होता है वहां से आपकी लॉन्ग जंप नपती है। अगर आप पीछे की तरफ हाथ लेकर जाएंगे और हाथ रख देंगे तो आपका लॉन्ग जंप वहीं से ही होगा। इसने जो गलती करी है वो हाइट में करी है, हाइट इसका कम था इसलिए डिस्टेंस कम गई है। दूसरी गलती इसकी थी, इसने फ्रंट हैंड को नहीं रखा। जब आप साइकिल सही तरीके से सीखेंगे ना तो हमेशा आपके हाथ सामने की तरफ गिरेंगे, आप हमेशा आगे की ओर गिरते हुए दिखेंगे। आज के वीडियो में हमने जाना कि भाई 5 ड्रिल आपको करना है, किन गलती को शुरुआत से आपको नहीं दोहराना है। लॉन्ग जंप की कम से कम 5 वीडियो आएगी, अगर आप 5 वीडियो कंप्लीट फॉलो करेंगे, देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट करेंगे, डेफिनेटली बोल रहा हूं आपकी लॉन्ग जंप में आपको पूरे पूरे 30 नंबर मिलेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताएं, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है फोर्स एकेडमी में, हॉस्टल सुविधा यहीं पर ही है, ग्राउंड ऑलवेज स्टार्ट होता है, चाहे बारिश आंधी तूफान कुछ भी हो जरूर रहेगा ग्राउंड, बिल्कुल भी रोड पर नहीं दौड़ाया जाएगा आपको। ज्वाइन करने के लिए नंबर है 9691077672। बोलो भारत माता की जय।